दोस्तों, आज से फिर सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल। दोस्तों, आज हम SYBA से फॉर पेपर नंबर 9 दिव्या उपन्यास की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप सब कोरोना से सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और अपने आप को सुरक्षित रखें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें। सबको शुभकामनाएं। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तुरंत आपको सूचित हो। पेपर नंबर 9 में दिव्या उपन्यास है जिसके लेखक है यशपाल। यशपाल को हमें पहले समझना होगा कि यशपाल जी ने किस प्रकार के उपन्यास लिखे हैं। यशपाल जी ने बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास लिखे हैं। वो एक प्रगतिवादी लेखक हैं और प्रगतिवाद में उनका स्थान जो है वो झूठा सच और आदि बहुत सारे ऐसे उपन्यास हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से लिखे हैं। दिव्य उपन्यास की अगर हम बात करें तो दिव्य जो है यशपाल जी का एक ऐतिहासिक उपन्यास है। सबसे पहले ऐतिहासिक उपन्यास किसे कहा जाता है वो समझना होगा। तो उपन्यास की कथा वस्तु जैसे कि हम देखते हैं कि समाज के किसी भी क्षेत्र से ली जाती है, उस तरह से इतिहास से भी उपन्यास की कथा वस्तु ली जाती है। इतिहास से कथा वस्तु क्यों ली जाती है? क्योंकि इतिहास के माध्यम के तत्कालीन समाज की जो स्थितियां है, परिस्थितियां है, उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो ये दिव्या जो है वो ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक उपन्यास है। दोस्तों, भद्रगण राज्य की राजधानी थी सांगल थी, उसमें प्रतिवर्ष एक मधुपर्व का उत्सव मनाया जाता था जिसमें ये दिव्या जी थी वो वहाँ पर ये नाचने के लिए, अपना नृत्य प्रस्तुत करने के लिए आती है। दूसरी बात, दिव्या जो है वो देव धर्म की पुत्री है और पालक पुत्री है, माफ कीजिए, देव शर्मा की प्रपौत्री है। और जो नर्तकी थी मल्लिका की पुत्री रुचिका, उसकी अकाल मृत्यु के बाद मल्लिका जो है वो बिल्कुल निराश हो गई थी, उसको इस दिव्या के अंदर अपनी पुत्री दिखाई देती है, इसलिए वो उसको ज़्यादा अपने पास अपनी परम शिष्या मानती है। दोस्तों, दिव्या जो है वो एक नारी केंद्रित उपन्यास है और नारी की जो समस्याएं इसमें दर्शाई गई है। बाद में दिव्या की जो स्थिति होती है वो उपन्यास पढ़ने से हमें पता चलती है कि दिव्या जो है वो पृथुसेन से प्यार करती है। पृथुसेन भी दासी पुत्र है और दिव्या को भी दासी ने ही, धाता नामक दासी ने ही पालन पोषण करके उसको बड़ा किया था। अब दासी की जो पुत्री थी छाया, वो दिव्या की क्रीड़ा सखी थी। अब दो सखियां एक दूसरे के सामने बातचीत करती है, छाया उसे बार बार कहती है कि तू किससे प्रेम करती है, क्या होता है, तो ये जो सखी सहज जो बातें हैं वो बात करते हैं। साथ साथ जब दिव्या अपने आप को प्रस्थापित करती है तो ये पृथुसेन के प्रति प्रेम करती है और पृथुसेन जो है उस प्रेम की निशानी यानी कि दिव्या जो है वो गर्भस्थ होती है। तब पृथुसेन जो है वो किसी युद्ध में चला जाता है, उसके बाद दोनों का मिलन नहीं होता है। मतलब कि जो नारी समस्याएं जो थी, नारी किस प्रकार से प्रताड़ित है, वही से दिव्या के पात्र में ये शुरू हो जाता है। फिर दिव्या जो है अपने गर्भ को लेकर इधर उधर घूमती है, छाया उसके साथ रहती है, किंतु वो कहीं आश्रय लेना चाहते हैं किंतु पुरुष के बिना किसी जगह पर आश्रय लेना मुमकिन नहीं होता है, इसलिए वो लोग जो है एक ही अंतशाला में आश्रय ले लेते हैं। पर उसकी जो सखी है छाया वो मना करती है, मना करने के बाद वो एक वृद्धा उनको आश्रय देती है। अब देखिए, नारी की सबसे बड़ी दुश्मन अगर कोई है तो वो नारी ही है, क्योंकि जो वृद्धा जो है वो भी नारी है। किंतु स्वार्थ की जहाँ तक बात आती है तो नारी नारी का नहीं देखती, इसलिए जो वृद्धा जो है वो उसको बेच देती है। ठीक है, वो दिव्या बार बार एक व्यापारी के पास, फिर वो पुरोहित के पास, इधर से उधर पूरे चक्रव्यूह में फंसती जाती है। फिर पुरोहित जो है वो भी अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए दिव्या का प्रयोग करता है। दिव्या जो है वो पुरोहित के पुत्र को या दूध पिलाती है, बड़ा करती है। पुरोहित को लगता है कि अगर उसका दिव्या का पुत्र भी रहा तो उसके पुत्र का पालन पोषण कैसे होगा, तो उसको पुत्र को मारने की वो बात करता है। दिव्या टस से मस नहीं होती है, वो भी नदी में कूद जाती है अपने पुत्र के साथ, किंतु दिव्या बच जाती है, पुत्र मर जाता है।
तो वहाँ पर भी ये नारी की जो स्थिति है वो वहाँ पर भी रत्नप्रभा जो है वो उसको बाहर निकलती है, पुरोहित उसको लेने के लिए आता है, तो पुरोहित को वो स्वर्ण मुद्राएं देकर उसको छुड़वा लेती है। ठीक है, तो नारी जो है इधर से उधर जो सामाजिक कुचक्र है उसमें फंसती जाती है। नारी कहाँ से कहाँ पहुँचती है हम देखते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा दयनीय चित्र यहाँ पर मिलता है दिव्या का, एकनिष्ठ पत्नी के रूप में, स्वावलंबिनी के रूप में, और अत्यधिक साहस उसका है, क्योंकि अगर कोई नारी इस तरह से प्रताड़ित हो गई है फिर भी वो अपने आप को आत्महत्या नहीं करती है किंतु समाज के सामने वो जाती है। ठीक है, दूसरी बात हमारे सामने ये कि यशपाल का जो दौर है वो सन 45 का दौर है, उस समय हमने आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, आज़ादी नहीं मिली थी, उस समय नारी की जो स्थिति है उसकी बात यशपाल जी करते हैं, जिसमें ज़्यादातर नारी की जो समानता है, नारी समानता की बात है, वो आर्थिक तौर पर हो, सामाजिक तौर पर हो, या किसी भी क्षेत्र में नारी की समानता है उसकी बात वो करते हैं। दूसरी बात यहाँ पर शोषण के स्तर पर नारी की क्या स्थिति है उसकी बात करते हैं, नारी का जो सम्मान है उसकी बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो यशपाल जी ने नारी का जो दिव्या का जो पात्र लिया हुआ इतिहास से लेने का मतलब ये है कि नारी का हर तरह से शोषण होता है, चाहे वो राजघराने में हो, राजकुमारी हो, या सामान्य व्यक्ति या सामान्य घर की नारी हो, सभी जगह पर नारी शोषित है, प्रताड़ित है। ठीक है, ये दिव्या के माध्यम से हमें पता, ये इसके माध्यम से पता चला। हमारी जो संस्कृति है जिसमें कहा कि यत्र नारियंतो पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये हमारी संस्कृति है, किंतु नारी पूजनीय कब है, तो वो केवल एक मूर्ति में हो, ये फोटो में हो, तब मंदिर में हो, तब वो पूजनीय है। घर की नारी क्या पूजनीय है, ये हम सब के लिए एक प्रश्न है। और नारी को केवल और केवल केवल भोग की वस्तु माना गया है, इतिहास में से लेकर यही बात को यशपाल जी दिव्या के माध्यम से कहते हैं कि नारी भोग्य है, अगर घर में है तो एक पुरुष की भोग्य है, अगर वो वेश्या बनती है तो पूरे समाज की भोग्य है, ये रुद्रधीर जो है वो इसमें कहता है, वो हमें पता चलता है। तो इतिहास के माध्यम से यशपाल जी ने ये बात बताई है। साथ ही साथ पृथ्वीसेन जो है वो भी इसका एक मुख्य पात्र है, किंतु पुरुष पात्र है। पुरुष किस प्रकार से नारी को प्रताड़ित करता है, वो व्यापारी हो, पृथ्वीसेन हो, या कोई भी व्यक्ति हो, नारी को कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह, वो कहीं भी जाए, उसे प्रताड़ित होना पड़ता है, चाहे वो पुरुष के स्वार्थ के कारण हो या नारी के स्वार्थ के कारण, उसे बेचा जाना वो आदि जो बातें होती है वही बातें इसमें हमें समझ में आती है। यशपाल जी ने इस उपन्यास में सबसे ज़्यादा समाज का घिनौना रूप हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि अगर नारी किसी स्वावलंबी होना चाहती है, दिव्या जैसे कि वो अपने स्वावलंबन के लिए वेश्या का व्यवसाय अपनाना चाहती है, अगर वो वेश्या का व्यवसाय अपनाती है तो समाज उसे स्वीकार नहीं करता है, तो स्वावलंबी होना भी उसके लिए एक अपराध है। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ आज भी हम देखते हैं कि नारी को किस प्रकार से समाज में प्रताड़ित, प्रत्येक घर की ये स्थिति है, कोई भी बड़ा घर हो या कोई भी हो, नारी है वो प्रताड़ित है, वो सामाजिक स्तर पर हो, आर्थिक स्तर पर हो, या किसी भी स्तर पर हो। तो दिव्या इसी बात को व्यक्त करती है कि वो राजघराने की राजकुमारी होती है, फिर भी इस प्रकार से चक्रव्यूह में फंसती जाती है, उसको बेचा जाता है, पुरुष उसको हर बार प्रताड़ित करता है, पृथ्वीसेन के प्रेम में वो अपने आप को सौंप देती है, उसका गर्भ धारण कर लेती है, फिर भी उसको अंत में क्या मिलता है, वो धर्म की शरण में जाना चाहती। अंत में उपन्यास के अंत में पृथ्वीसेन और दिव्या का मिलन होता है, किंतु वो दिव्या पृथ्वीसेन के पास जाकर कहती है, तब वो पृथ्वीसेन उसे बुद्ध की शरण में आने के लिए कहती है, फिर दिव्या कहती है कि बुद्ध यानी कि धर्म में नारी का क्या स्थान है, किंतु नारी का धर्म में भी जो स्थान है वो हमें सबको पता है, जिस प्रकार से वो उसके मासिक के आदि प्रश्न जो आजकल चल रहे हैं, तत्कालीन प्रासंगिक संदर्भ को हम लेकर चले तो ये बात दिखती है, क्योंकि उसकी जो मासिक की स्थिति हो, किस समय होती है, उसका जो ऋतुचक्र बदलता है, उसके हॉर्मोन्स में परिवर्तन आता है, तब भी लोग कहते हैं कि भाई इसके दूर रहो, इससे ये करो वो करो। ठीक है, तो ये भी हमें नियम बनाए, अरे भाई ये वैज्ञानिक तौर पर कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन होनी चाहिए। दूसरी बात कि नारी यह सामाजिक तौर पर किसी न तो किसी तरह से प्रताड़ित होती ही है, तो दिव्या ऐतिहासिक उपन्यास के माध्यम से यशपाल जी ने हमारे सामने ये सारी बातें रखने का प्रयत्न किया है। जो कुछ बातें मैंने थोड़ी बहुत आपको बताने का प्रयत्न किया है समझ लेना,
दूसरी बात इसमें कि पुरुष जो है वो नारी को भोग्य समझता है, उसके उसकी ज़रूरत है पुरुष को, उसको नारी चाहिए, किंतु नारी उसके समान रहे वो उसको पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं उपन्यास में। किंतु आज आधुनिक युग में इन सारी बातों में थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर हो रहा है। नारी धीरे धीरे स्वावलंबी हो रही है, नौकरियों में जा रही है, घर में अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही है। तो ये सारी बातें प्रासंगिकता के तौर पर हम देखते हैं। तो यानी कि इतिहास के माध्यम से जब किसी सामाजिक प्रश्नों को कोई लेखक उठाते हैं तब ये ऐतिहासिक उपन्यास सफल रहता है। तो ये नारी प्रधान, नारी केंद्रित, नारी समस्या का उपन्यास है। नारी की जो जो सामाजिक समस्याएं हैं, प्रत्येक समस्याओं को, छोटी सी छोटी बात को इस उपन्यास में रखने का प्रयत्न यशपाल जी ने किया है। तो जितना भी आपको समझ में आए समझ लीजिएगा, बाकी उपन्यास अगर मिल सके तो पढ़िए। दूसरे दिव्या के चरित्र के बारे में हम नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।